निठारी कांड कोहली और मोनिंदर हाईकोर्ट से बरी। कोहली 12 मामलों जबकि पंडेर 2 मामलों में बरी। कोर्ट ने मामले की जांच को बेहद खराब और जनता के भरोसे से विश्वासघात बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के बहुत चर्चित निठारी कांड में फांसी की सजा पाए सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंडेर को दोष मुक्त करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस दोनों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रही है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रिवजी की खंडपीठ ने जांच पर नाखुशी जताते हुए कहा, जांच बेहद खराब थी और सबूत जुटाने की मौलिक प्रक्रिया का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। जांच एजेंसियों की नाकामी जनता के विश्वास से धोखाधड़ी है। मोनिंदर सिंह पंडेर सुरेंद्र कोहली गाजियाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने निठारी कांड में कोहली को 12 पंडेर को 2 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी। कोहली व पंडेर ने 2010 से सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करनी शुरू कर दी थी। दोनों की कुल 14 अपीलों पर जुलाई 2023 से जस्टिस मिश्रा और जस्टिस रिजवी की खंडपीठ ने एक साथ सुनवाई की। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था जो सोमवार को सुनाया गया। फैसले के बाद पंडेर जेल से बाहर आ गया लेकिन कोहली को जेल में रहना होगा। फैसले के बाद पंडेर जेल से बाहर आ जाएगा जबकि कोहली को जेल में रहना होगा। उसे एक मामले में उम्र कैद की सजा मिली हुई है।